नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज के क्विज का पहला सवाल, रूट्स नामक गूगल खोज संचालित शिक्षा मंच किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? सही जवाब है HDFC सिक्योरिटीज। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने रूट्स लॉन्च किया है, जो व्यापक निवेशक शिक्षा और बाजार विश्लेषण प्रदान करने वाला एक समर्पित मंच है। इस मंच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ऐसी सामग्री का उत्पादन करता है जिसे वर्तमान या भावी निवेशकों और व्यापारियों द्वारा गूगल पर खोजा जा रहा है। अगला सवाल, किस राज्य के क्षय रोग के खिलाफ जन आंदोलन पहल को हाल ही में सम्मानित किया गया था? सही जवाब मेघालय। मेघालय सरकार जिसने क्षय रोग के खिलाफ एक जन आंदोलन को अपनाया है, इसको नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला में तपेदिक नियंत्रण संचार और सामाजिक गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए एक पुरस्कार मिला, जिसमें टीबी संक्रमण को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला सवाल, अक्टूबर 2022 में 6.77% से भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब 5.88%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति नवम्बर में लगातार दूसरे महीने घटकर 5.88% रह गई, जो अक्टूबर 2022 में 6.77% थी। अगला सवाल, किसने पिस्टल स्पर्धाओं में महिलाओं की एयर पिस्टल 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब दिव्या TS। कर्नाटक की निशानेबाज दिव्या TS ने अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब जीता। उन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को 16-14 से हराकर भोपाल में MP अकादमी शूटिंग रेंज में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप पिस्टल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। पांचवा सवाल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2022 में भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति कितनी है? सही जवाब 5.85। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI द्वारा मापी गई भारत की थोक मुद्रास्फीति नवम्बर में 21 महीने के निचले स्तर 5.85% पर आ गई, जो सितम्बर में 8.39% थी। अगला सवाल, कौन सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए सभी समूह ए मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों के बीच शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे ऊपर है? सही जवाब है UIDAI। रैंकिंग रिपोर्ट में जन शिकायतों के समाधान के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI को फिर से सभी ग्रुप ए मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया। यह रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा नवंबर महीने के लिए प्रकाशित की गई थी। अगला सवाल, किस देश के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री जनरल मिरोस्लाव हर्मस्जेवस्की का हाल ही में निधन हो गया? सही जवाब पोलैंड। पोलैंड के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री जनरल मिरोस्लाव हर्मस्जेवस्की, जिन्होंने 1978 में सोवियत अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा की थी, उनका निधन हो गया है। वह 81 वर्ष के थे। अगला सवाल, नवंबर 2022 में किस देश ने इराक को भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रस्थापित किया? सही जवाब रूस। रूस पहली बार नवंबर में इराक की जगह भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। रूस से भारत का तेल आयात लगातार पांचवें महीने बढ़कर नवंबर में कुल 9,08,000 बैरल प्रतिदिन यानी BPG हो गया, जो अक्टूबर से 4% अधिक है। नौवां सवाल, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब IIT रोपाड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपाड़ और भारतीय सेना के आर्मी ट्रेनिंग कमांड RTRAC ने प्रमुख संस्थान में रक्षा और सुरक्षा में अध्ययन और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला और आखिरी सवाल, किस वर्ष तक भारत 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने की योजना बना रहा है? सही जवाब है 2031। सरकार ने 2031 तक 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने की योजना बनाई है, जिससे बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 15,000 मेगावाट की वृद्धि हुई है, सरकार ने लोकसभा को बताया।
इन 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से पहला 700 मेगावाट की इकाई गुजरात के काकरापार में 2023 में चालू होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।